तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि अब देखो, यहाँ हमारे पास एक स्पेस शिप है, ऑर्बिट अराउंड ए प्लेनेट ऑफ हाइट 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। मतलब जो प्लेनेट है वो सरफेस से 20 किलोमीटर, ये जो हाइट है वो 20 किलोमीटर है, और इसमें एक प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। ये जो प्लेनेट है, यहाँ स्पेस शिप है, और ये अपना ये वाला जो है वो प्लेनेट है। तो ये प्लेनेट है और इसके अराउंड स्पेस शिप रिवॉल्व कर रहा है। इस प्लेनेट की रेडियस कैपिटल आर है, जैसा दिया हुआ। तो ये पूरी हाइट, ये वाली जो पूरी हाइट है वो ऑर्बिट हो जाएगी। तो ऑर्बिट की जो रेडियस आ जाएगी स्मॉल आर, वो हाइट प्लस कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। और हाइट 20 किलोमीटर है, 10^-3 मीटर प्लस 2×10^6। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 20×10^-3 और मल्टीप्लाइड बाई 10^6 डिवाइडेड मीटर है ना, तो किलोमीटर में 10^6 और ये प्लस 2×10^6। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करोगे तो ये 10^ ये 0.2, 0 पॉइंट यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो 0.020 10^6 और प्लस 2×10^6। तो फाइनली जो है वो 2.02×10^6 मीटर, दिस इज द ऑर्बिट रेडियस। तो ये फाइनली ऑर्बिट का रेडियस आ गया और ये हमें यूज में आएगा अभी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्बिट का रेडियस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन मेड बाय द स्पेस शिप इन 24 आवर्स। तो 24 आवर मतलब हमको नहीं पता इसका, पहले तो हमें पता नहीं है कि एक चक्कर लगाने में टाइम पीरियड ही नहीं पता है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, यही नहीं पता हमें। जब एक चक्कर में टाइम ही नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में, मतलब ना, तो 24 घंटे में हमें कैसा पता चलेगा कि कितना चक्कर लगा। तो सबसे पहले अब हमारा टारगेट है इस स्पेस शिप का ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर निकालें, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे तभी तो टाइम पीरियड निकलेगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इज इक्वल टू क्या होता है किसी भी प्लेनेट का, जी एम ओवर रेडियस आर। तो ये यहाँ से मास जी की वैल्यू 6.67×10^-11, मास देखो ऊपर दिया हुआ था 8×10^22। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 8×10^22 दिट इज नथिंग बट ये बेसिकली है। और रेडियस ऊपर निकाले हो 2.02×10^6, और ये सब कुछ गया अंडर रूट। तो ये सब कुछ है अंडर रूट बेसिकली। तो अगर यहाँ से तुम काम करोगे तो ऑर्बिटल जो वेलोसिटी आ जाती है अप्रोक्सीमेटली, तो 1.625×10^3 m/s आ जाता है। तो 1×10^6 m/s ये वाली जो इस ये यहाँ से आ जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड ऑफ दिस स्पेसशिप, टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल में लगने वाला टाइम। तो टाइम पीरियड अगर मैं यहाँ से निकालूंगा टाइम पीरियड, तो चलो देख लेते हैं कितना आ जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 π r, और लीनियर स्पीड भी। तो 2 π r और लीनियर स्पीड भी कुछ नहीं है, ये ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से जब ये सारी वैल्यू रखोगे तो देखो टाइम पीरियड कितना आता है, वट इवर जो भी है ये टाइम पीरियड, तो यह आ जाएगा 2 π r³, इसको मैंने अंदर घुसा दिया, और जी एम अंडर रूट, दिस इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक चक्कर में लगा हुआ टाइम। अब कहते हैं नंबर ऑफ, भाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन हाउ मच टाइम इन स्मॉल टी, 24 आवर्स। तो 24 घंटे में कितना रिवोल्यूशन होगा, तो हम सबको पता है कि एक, हाँ मतलब एक चक्कर पूरा करने में टी कैपिटल टी टाइम लगता है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 24 घंटे में कितना लगेगा, तो 24/T, ये नंबर ऑफ, इतना 24 घंटे में इतना चक्कर लगाएगा स्पेस शिप। तो 24 घंटे को एक काम करो, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 24 3600 से मल्टीप्लाई कर दो,
और डिवाइड कर दो टाइम पीरियड से, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो भाई रख दो यहाँ पे, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2 पाई आर, तो 2π 3.14, और आर्बिट की जो रेडियस है वो 2.02 × 10^5 भाई 6 है, और ये आर्बिटल वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा 1.625 × 10^5, कितना था देखो तो 10^3। तो फाइनली जब एक कैलकुलेशन आ जाता है तो एन की वैल्यू इंटीजर में आ जाती है जो कि 11 के बराबर होती है। तो इतना 24 घंटे में सेटेलाइट इतना चक्कर लगाया गया, चक्कर समझ रहे हो ना? हाँ चक्कर, ठीक है। तो ये 24 घंटे में इतना चक्कर लगाया होगा 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।